हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ यूके और कनाडा की स्टडी कॉस्ट कंपैरिजन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो हम डिस्कस कर रहे हैं यूके और कनाडा की स्टडी कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूके के बारे में। कनाडा के कंपेयर में यूके काफी एक्सपेंसिव है। तो यूके में 3 साल का कोर्स होता है, वो बैचलर डिग्री होता है, 1 ईयर का कोर्स होता है, वो मास्टर होता है। तो दोनों की फीस मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। सो यूके में 3 ईयर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम रहता है, उसके अंदर 10 to 20,000 यूके पाउंड फीस रहती है पर एनम की। और अगर हम 3 साल की काउंट करने जाते हैं तो टोटल इंडियन करेंसी में 30 to 60 लाख रुपीज आपकी फीस बनती है पूरे 3 साल की। और जैसे हम बात करते हैं 1 ईयर मास्टर की फीस के बारे में, तो उसमें 13,000 to 35,000 यूके पाउंड फीस रहती है पर एनम की। और उसका जब हम इंडियन करेंसी में काउंट करते हैं तो 13 लाख से 35 लाख तक का, बेस्ड ऑन आपके कोर्सेज के हिसाब से आपकी फीस बनती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कनाडा के बारे में। कनाडा कंपेयर टू यूके थोड़ा चीप है और वहाँ के फीस में भी आपको काफ़ी डिफरेंस लगेगा। तो उसके अंदर आपको 4 ईयर का बैचलर प्रोग्राम होता है और 2 ईयर का मास्टर प्रोग्राम होता है। तो जो 4 ईयर के बैचलर प्रोग्राम्स होते हैं उसमें 20 से 30 हज़ार कैनेडियन डॉलर लगते ही फीस, और 2 ईयर का जो मास्टर प्रोग्राम होता है वो 44,000 to 80,000 कैनेडियन डॉलर फीस लगती है, जिसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो 24 लाख to 44 लाख जितनी फीस आपकी बनती है मास्टर की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिविंग कॉस्ट के लिए। बिकॉज आप स्टडी के लिए जाते हो तो लिविंग कॉस्ट तो आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो लिविंग कॉस्ट यूके का रहता है 10 to 13 K। उसके अंदर ऐसा होता है कि ये जो अमाउंट मैंने बताई है वो बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, जैसे कि आप किस तरह से रहते हो, आप एक्स्ट्रा जॉब करके अर्न करते हो तो उसके अंदर से आप आपके एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हो, आपका जो डे टू डे रूटीन होता है उसमें काफ़ी चीज़ें होती है जिसको आप कॉस्ट कटिंग करके कैसे प्रॉपरली कम कॉस्ट में पूरा साल अच्छे से आप कॉस्ट कटिंग में आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बना सकते हो। और उसके बाद हम बात करते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा के अंदर लिविंग कॉस्ट रहता है आपको कंपेयर टू यूके काफ़ी सस्ता रहता है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे आपको चीज़ें इजीली मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो काफ़ी चीपेस्ट भी रहती है, और आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 कैनेडियन डॉलर एक्सपेंस रहता है पर एनम का। अब हम फाइनली बात करते हैं यूके वर्सेस कनाडा के फाइनल कॉस्ट के लिए, इंक्लूडिंग जो हमने अभी डिस्कस किया आपको रहने का कॉस्ट और फीस दोनों का मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यूके में 3 ईयर का अगर प्रोग्राम लेके आप जाते हो तो आपका 60 लाख to 1 करोड़ रुपीज 3 ईयर का ओवरऑल एक्सपेंस रहता है, और जब कनाडा कंट्री सिलेक्ट करते हो तो 60 लाख to 90 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से आपका ओवरऑल रहने का, खाने पीने का और स्टडी का कॉस्ट रह जाता है। तो ये था पूरा यूके वर्सेस कनाडा, दोनों कंट्री में से जो भी सिलेक्ट करते हो उसका प्रॉपर कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट और स्टडी कॉस्ट। सो ये कॉस्ट हमेशा वेराइड रहता है बिकॉज ऑफ बहुत बार करेंसी चेंज होती है बेस्ड ऑन जो भी उनका जो रेगुलेशंस होते हैं। और दूसरा, आप वहाँ पे जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब करते हो, या फिर आपके स्किल को डेवलप करके एक्स्ट्रा भी अर्निंग करते हो, तो वो सारी कॉस्ट उसके अंदर आपको प्लस माइनस हो सकती है। तो वो कॉस्ट किस तरह से आपको यूटिलाइज करनी है वो आपके ऊपर रहता है। काफ़ी स्टूडेंट 2 जॉब भी करते हैं, 3 जॉब भी करते हैं, और जॉब करते करते उनको कॉलेजेस में भी अच्छे इनसाइड कैंपस में भी जॉब मिल जाती है। तो आपका कॉस्ट आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है, आपकी फीस का, आपकी स्टडीज का और लिविंग एक्सपेंस का, वो सारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा खर्च करके रहना है या फिर आप कम खर्चे में भी आराम से रह सकते हैं। इट्स अप टू स्टूडेंट टू स्टूडेंट रहता है। सो आज के वीडियो में आपको दोनों कंट्री के एक्सपेंस के बारे में काफी डिटेल मिल गई होगी। आपको इस रिलेटेड और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में हमें जरूर बताना। मैं हूं मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।